हेलो एडियन, पार्ट टू के स्टार्टिंग में तुमको दिखाते हैं। जो कि अपने टेमिकस देख रहा था, तभी वहाँ पर पीवी आ जाती है। पा उससे कहती है, हमें मिले भी 24 आवर्स हो चुके हैं एंड मैं तो तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने वाली थी। इस पर तुम कहता है, मैं कहीं पर गायब नहीं हुआ था, मैं तो बस अपने हस्बैंड के साथ था। यहाँ सुनकर पीवी कहती, ओहो तुम हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें डर लगता है और प्यार का मतलब है सिर्फ दर्द मिलना, लेकिन अब देखो, अब तो मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर सकती। यह सुनकर तुम उससे कहता है, मैंने तुम्हें और मुख को भी तो सेट किया है। बीवी कहती है, हाँ लेकिन नाइट में मैं जब भी सावर लेने के लिए जाती हूँ वो हमेशा सो जाती है। यह सुनकर तुम स्माइल करता है। बीवी कहती है, वैसे तुम इसमें क्या देख रहे हो? तुम कहता है, मैं होम डेकोर के लिए कुछ चीज़ें देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस घर को कैफे या फिर गेस्ट हाउस बनाने वाला हूँ, तो उसी के लिए कुछ पिक्स देख रहा था ताकि मैं चूज करके बाद में उसे मुद को दिखा सकूँ। बीवी कहती है, वैसे तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? तुम कहता है, थोड़ा सा रिस्की है। यह सुनकर बीवी उससे कहती है, तुम पूरे बदल चुके हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पूरे पर्सन बन चुके हो, तुम अच्छे पर्सन बन चुके हो और दिन प्रतिदिन तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगे हो। पहले तुम किसी के साथ भी हुकअप कर लिया करते थे, लेकिन अब लगता है कि तुम अपने फ्यूचर के लेकर थोड़ा सा सीरियस हो चुके हो। तुम कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अब मैं जो भी कुछ करना चाहता हूँ बस उसी के लिए करना चाहता हूँ। बीवी वहाँ से जाने लगती है। तुम कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? बीवी कहती है, अपना फ्यूचर ढूंढने के लिए, और आज मैं मुख से कहने वाली हूँ कि तुम बहुत बिजी हो और तुम्हारे पास बात करने का भी वक्त नहीं है। तुम कहता है, तुम फिर से उसे सेड्यूस करने वाली हो? तो बीवी उसे बाय करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, बीवी और मुख दोनों बीच साइड पर चल रही थी। मुख अपने फ़ोन में ही लगी हुई थी, तो बीवी उससे फ़ोन छीनते हुए कहती है, तुम डे ऑफ के दिन कोई भी काम नहीं कर सकती। मुख कहती है, लेकिन मैं मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर सकती। बीवी उससे कहती है, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें पूरा अटेंशन मेरी तरफ ही देना चाहिए। इस पर मुख कहती है, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान दे रही हूँ ना, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करने के लिए कभी नहीं आती। यहाँ सुनकर बीवी उसे बहुत ही क्लोज से देखने लगती है। इस पर मुख ब्लश करने लगती है। बीवी उसकी चिन को पकड़कर उसकी आँख में देखते हुए कहती है, एक दूसरे की आंखों में देखने का मतलब ही ध्यान देना होता है। यहाँ सुनकर मुख ब्लश करने लगती है और तभी उसकी नज़र एक तरफ जाती है। वह बीवी से उस तरफ देखने को कहती है, लेकिन बीवी उससे कहती है, क्यों तुम टॉपिक को चेंज करना चाहती हो? लेकिन इससे कोई काम नहीं बनने वाला। इस पर मुख उससे कहती है, नहीं एक बार उसकी तरफ देखो तो सही। वहाँ पर कुछ लोग कयाकिंग कर रहे थे। मुख बीवी से कहती है, मैंने एक बार कयाकिंग ट्राई की थी, लेकिन बस मैं तो सर्किल में ही घूमती रह गई थी और उन्हें देखकर मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कयाकिंग करूँ। यह सुनकर बीवी कहती है, तो क्या मैं तुम्हें सिखा दूँ? यह सुनकर मुख कहती है, क्या तुम्हें कयाकिंग करना आता है? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, वो दोनों कयाकिंग कर रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वह बीवी से कहती है, सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और तुम कयाकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। बीवी कहती है, तो क्या तुम अब मुझसे प्यार करने लगी हो? यहाँ सुनकर मुख उससे कहती है, मुझे नहीं पता। बीवी कहती है, इसका मतलब तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करती? मुख कहती है, मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता। वह जाने लगती है, तभी बीवी उसे रोकते हुए कहती है, हे कहाँ पर जा रही हो? और जब हम दोनों बीच किनारे हैं तो हमें पानी में खेलना चाहिए। यह कहते हुए वह उसे समंदर में ले जाकर उसे नीचे गिरा देती है। मुख उससे कहती है, ये तुमने क्या किया? मैं पूरी भीग चुकी हूँ। बीवी कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें पुश किया है। यह सुनकर मुख उसके तरफ पानी फेंक देती है और फिर वो दोनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। बीवी मुख के चीज पर किस भी कर लेती है और फिर वह उससे कहती है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, अभी हमारी ट्रिप ख़त्म नहीं हुई है। यह सुनकर मुख बस बीवी की तरफ ही देखने लगती है और बीवी वह बस अपने जुल्फों को खोलकर वह उसे सेड्यूस करते हुए वहाँ से चली जाती है और मुख बस अपने चिक्स को पकड़कर काफ़ी ब्लश करने लगती है। तुम अपने घर के बाहर बैठकर पार्क के व्यू को इंजॉय कर रहा था। मोत आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और वह उससे कहता है, तुम हमेशा ही मेरे साथ इतने ज़्यादा क्यूट क्यों होते हो? इस पर तुम उससे कहता है, और तुमने अपने सर को बटनअप क्यों नहीं किया?
वह कहता है क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। यह कहते हुए वह उसके चीज पर किस कर लेता है। तोंग कहता है तो इस तरीके से तुम अपने स्वेट को वाइप करते हो। वह कहता है हाँ, यहाँ पर तो हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं और तुम्हें भी इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ यही सब करने वाला हूँ। यहाँ सुनकर तोंग उससे कहता है तुम कितने ज़्यादा परवर्ट हो चुके हो, क्या मुझे भी ऐसा ही बन जाना चाहिए। मुझ कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हूँ और अगर तुम इस तरीके से ड्रेसिंग सेंस करोगे तो फिर तुम्हारे लिए आज रात काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है। तुम कहता है लेकिन आज तो हमें मुख और बेबी के साथ डिनर करना है ना। मुझ कहता है हाँ, हम जल्दी से डिनर करके वापस आ जाएंगे एंड आई एम श्योर आज तुम बहुत ज़्यादा थकने वाले हो। इस पर तुम कहता है क्यों ना डिनर से पहले हम थोड़ा सा वर्कआउट कर ले। वो लोग जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मुक आ जाती है और वह तुम से कहती है आज तुम हम दोनों के साथ डिनर करने वाले हो ना। यह सुनकर तुम उसकी तरफ गुस्से से देखता है क्योंकि उसका सारा प्लान फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो डिनर कर रहे थे लेकिन तुम वह तो अभी भी काफ़ी गुस्से में था। यह देखकर बीवी उससे कहती है लगता है कि तुम आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। इस पर तुम कहता है ये सब तुम मुख से क्यों नहीं पूछ लेती। मुख कहती है हम सभी साथ मिलकर यहाँ पर ट्रिप पर आए हैं तो एटलीस्ट हम सभी को एक साथ डिनर तो कर लेना चाहिए। लेकिन तुम दोनों को देखो, तुम दोनों तो अपने घर चले गए थे। तुम घूर कर मुख की तरफ देखता है तो बीवी कहती है लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हुई हूँ। तभी मुख बीवी से पूछता है तुम मुख को किस पोजीशन पर रखने वाली हो। तो बीवी मुख से पूछती है तुम कौन सी पोजीशन चाहती हो। यह सुनकर मुख तो काफ़ी इम्बेरेस्ड होती है। तभी तोंग कहता है तुम चाहे कोई भी पोजीशन ट्राई करो लेकिन ये सब डिनर की बात करना क्योंकि उसके बाद तुम दोनों को कोई भी इंटरप्ट नहीं करने वाला। तभी मुद कहता है मैं कुछ दिन के लिए काफ़ी बिजी रहने वाला हूँ लेकिन अगर तुम लोगों को कहीं भी जाना हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बीवी कहती है तुम हमारी चिंता मत करो, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि तुम ने हमें बता दिया था कि तुम बहुत ही बिजी हो। तभी तुम कहता है मैंने पहले ही कहा था ये पीक सीजन है और हम यहाँ पर 6 महीने के लिए बैंकॉक जाने से पहले हैंग आउट करेंगे और ये सब मुद की वर्कलोड पर डिपेंड करता है क्योंकि मैं तो अपना काम कहीं से भी कर सकता हूँ। यह सुनकर बीवी कहती है जब तुमने कहा था कि तुम साउथ आने वाले हो तभी मैं समझ गई थी, मैं तो काफ़ी ज़्यादा शोक हो गई थी क्योंकि अब मेरे पास मेरा फ्रेंड नहीं रहने वाला। तभी मुख कहती है क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे पर गुस्सा किया है। इस पर मुख कहता है तुम तो हमेशा ही मुझ पर गुस्सा करता रहता है। यह सुनकर तुम कहता है क्योंकि तुम हमेशा ही मुझे टीज करते रहते हो। मुख मुझसे पूछती है क्या तुम कभी तुम पर नाराज हुए हो क्योंकि मैंने हमेशा ही देखा है तुम हमेशा उसके सभी चीज़ों का ख्याल रखते हो। यह सुनकर मुझ कहता है मैं एक बार उससे सीरियसली नाराज हो गया था। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाते हैं तुम एक फॉरेनर के पास बैठा हुआ था और वह फॉरेनर तुम को टच किए जा रहा था। मुख ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो वह गुस्से में वहाँ पर आता है और वह तुम को वहाँ से खींचते हुए लेकर चला जाता है। वह घर आता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। तुम उसे समझाने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो। लेकिन मुझ उससे कहता है तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा। इस पर तुम कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, वही था जो मेरे पास आकर पीट किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन मुझ उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है बताओ उसने तुम्हें कहाँ कहाँ टच किया है। इस पर तुम कहता है उसने मेरे वेस्ट को पकड़ा था। यह सुनकर मुझ तुम के वेस्ट पर हाथ रखता है और उससे कहता है और कहाँ टच किया था। इस पर तुम कहता है और उसने मेरी थाई पर भी हाथ रखा था। यह सुनकर मुझ कहता है अभी अपने पेंट को निकालो। तुम डर जाता है तो तुरंत अपने पेंट को निकाल देता है और फिर मुझ उसके थाइस को बहुत ही जोर से स्क्वीज करता है और फिर उसके क्लोज आकर कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुम कहता है तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिसकी वजह से तुम मुझे माफ़ कर दो। यह सुनकर मुझ उसे बहुत ही पैशनेटली किस करता है और यही सब सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे देखकर बीवी कहती है मैं तो सोचना भी नहीं चाहती कि इन दोनों की फाइटिंग कैसे एंड हुई होगी। यह सुनकर मुख उससे पूछती है कैसे खत्म हुई थी। इस तरफ मुख वह तो तुम के थाइस पर हाथ रखकर उन्हें स्क्वीज किए जा रहा था।
बीवी मुख से कहती है, तुम्हें तोंग की आईज में देखना चाहिए एंड इन्हें देखकर मैं बता सकती हूँ कि इनका मतलब क्या है। यह सब सुनकर तो तोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी बीवी उससे कहती है, जब भी तुम्हारा हस्बैंड तुम पर नाराज होता है तो तुम्हें ये पसंद आता है ना। इस पर तोंग उससे कहता है, क्या तुम साइको हो? बीवी कहती है, नहीं, मैं वो सब बनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम दोनों इतना ही ईगर हो रहे हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मुख उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। यह देख कर बीवी कहती है, जब भी तुम्हें ये सब समझ नहीं आता, मुझे काफ़ी पसंद आता है। जैसे जब भी मुझ तुम पर नाराज होता है तो उसे पसंद आता है। लेकिन मुग उसे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस तरफ मुग घर आकर तुम को फिर से वॉल पर पिन कर देता है। तुम उससे कहता है, तुम अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। मुग कहता है, जब भी तुम मेरी तरफ इस तरीके से देखते हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुम कहता है, जब भी तुम मुझ पर नाराज होते हो तो मुझे ये काफ़ी पसंद आता है। यह सुनकर वो तुम की नेक पर किस करने लगता है और उससे कहता है, और तुम भी इन सबको काफ़ी इंजॉय करते हो ना, इसलिए तो तुमने इस पर नॉवल लिख दी ताकि मैं इन्हें रीड कर सकूँ। तुम कहता है, अगर तुम मुझसे नाराज भी नहीं होती तो भी अच्छा होता है, लेकिन आज मैं उस दिन की तरह टफ होना चाहता हूँ। यह सुनकर वो तुम को बेड पर लेकर आता है और फिर उन दोनों का हॉट रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इस तरफ मुख को अभी भी समझ नहीं आ रहा था तो बीवी कहती है, तो क्या तुम जाना चाहती हो? मुख कहती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जाना चाहती, और स्पेशली अपने बॉस के बेडरूम के बारे में तो कुछ नहीं जाना चाहती। यह कहते हुए वह ड्रिंक करने लगती है। लेकिन बीवी उसके हाथ से ड्रिंक को लेते हुए कहती है, अगर तुम ड्रंक हो गई तो उस हालत में मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर मुख कहती है, तुम्हें ड्रंक होना चाहती हूँ। यह सुनकर बीवी कहती है, क्योंकि तुम जानना चाहती हो कि आगे क्या होने वाला है। इस पर मुख कहती है, इसलिए तुम्हें ड्रंक होना चाहती हो। यह सुनकर बीवी उसे किस का लेती है। इस तरफ तुम वह मुद के शर्ट को पहन कर आ जाता है। तो मुद उससे कहता है, तुमने फिर से मेरे शर्ट को चुरा लिया? तुम कहता है, क्योंकि मुझे इसे पहनकर काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। यह सुनकर मुद कहता है, और तुम्हारे होलसेल क्लोथ का क्या? इस पर तुम कहता है, देखो, तुम उनके बारे में कुछ भी मत कहना, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुद कहता है, तो फिर तुमने मेरा शर्ट क्यों पहन रहे कहा है? तुम कहता है, क्योंकि मैं पहनना चाहता हूँ। और फिर वह थोड़ा सा नाराज होते हुए कहता है, आज पहली बार ही तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के शर्ट को वेयर किया था। यह सुनकर मुद उसे अपनी तरफ कह लेता है। तुम मुझसे कहता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तुमने मुझे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है। फर्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ बीच पर गया था, फर्स्ट टाइम मैंने नाइट पे समुंदर के किनारे खेला था, इवन फर्स्ट टाइम बीच पर मैंने तुम्हारे साथ ही सेक्स किया था, एंड सबसे मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट भी मुझे तुमसे ही मिला है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते थे, लेकिन जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है उसे कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मुद कहता है, और मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत सी चीज़ें की हैं, यहाँ तक कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारा सुगर डैडी भी बन गया था। तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस भी वेयर किया था, क्योंकि मैं कभी भी वैसे कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वेयर किया था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं माउंटेन पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर कभी नहीं गया। तो कहता है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में चलेंगे। मुद कहता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर टेंट भी लगाएंगे। तो कहता है, क्या हम वहाँ पर एसी भी लगा सकते हैं? मुद कहता है, नहीं, इससे सारा मज़ा किकरा हो जाएगा। तो कहता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। यह सुनकर मुद कहता है, ठीक है, तुम चाहते हो तो हम वहाँ पर एसी लगा लेंगे। यह सुनकर तुम खुश हो जाता है और वह मुद के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है, तुम बेस्ट हो। मुद उससे कहता है, मैं कभी अब्रॉड नहीं गया हूँ। इस पर तुम कहता है, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम बस मुझे जगह का नाम बता देना, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चला जाऊँगा। मुद कहता है,
तो हमारी फर्स्ट ट्रिप के लिए मैं फिलीपींस जाना चाहता हूँ। इस पर तोंग कहता है ठीक है, और उसके बाद हम लोग कनाडा जाएंगे क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टडी की थी एंड आई एम श्योर तुम्हें वो जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। यह सुनकर मुझ खुश होकर तोंग को हका लेता है। पीवी और मुक्तू अपने इंटीमेट सेशन के बाद बहुत ही आराम से सो रही थी, लेकिन इस तरफ तोंग और मुझ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो मुझ उससे कहता है तुम चाहे तो क्लोथ को चेंज कर सकते हो। इस पर तोंग कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर को लेकर कि हम दोनों साथ में उसे कैसे बिताने वाले हैं, मैं एकदम बड़े बच्चे की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना। यह सुनकर मुझ कहता है इसका मतलब फिर तो मैं भी बिग बेबी हूँ क्योंकि मुझे भी तो नींद नहीं आ रही, और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो क्यों ना हम लोग वॉक पर चले। और फिर वो दोनों बीच किनारे आ जाते हैं जहाँ की ठंडी हवा को महसूस करके तुम बस अपनी आँख को क्लोज करा लेता है। वो तो उससे कहता है मैं बस हमारे उन बीते दिनों को याद कर रहा हूँ जब हम दोनों ने साथ मिलकर यहाँ पर स्टार्स को देखा था। यह सुनकर तोंग बस आसमान की तरफ देखने लगता है। वो तो उससे कहता है मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ ना मैं तुमसे मिला, हालांकि हम दोनों को साथ रहते हुए बहुत ही कम वक्त हुआ है, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। मुझे पहले ऐसा लगता था कि बस मैं जैसा हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ, एंड अब तो मुझे इससे भी ज़्यादा चाहिए, मैं तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर को बनाना चाहता हूँ, एंड मैंने तो ऑलरेडी इसकी एक इमेजिनेशन भी बना ली है। तभी तुम उससे कहता है और मैंने भी बना ली है क्योंकि राग वह मुझसे लव करता है। वो तुम के पास आ जाता है। तुम कहता है मुझे नहीं पता कि हमारा प्यार पूरी उम्र रहेगा या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस पर बिलीव करना चाहता हूँ। मुझ कहता है तो फिर तुम 10 में से मुझे कितना रेट देना चाहोगे। तुम कहता है 8 क्योंकि ये मेरा फेवरेट नंबर है। यह सुनते ही मुझ तुम को किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों बीच किनारे सो रहे थे तो उनकी नींद खुल जाती है और वह मुझ की तरफ देखने लगता है। मुझ उसे आई लव यू कहता है और कहता है आज पहली बार मैं मॉर्निंग में तुम्हें आई लव यू कह पा रहा हूँ एंड अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए हमारा वेट कर रही होगी। यह सुनकर तुम भी आज पहली बार मुझ को आई लव यू कहता है। यह सुनकर मुझ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में उन दोनों को पीवी और मुत मिल जाती है। वो दोनों उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। मुत पीवी से कहता है आज तुम काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रही हो। पीवी कहती है ये बात तो मैं तुमसे भी तो कह सकती हूँ। तभी तुम कहता है हाँ क्योंकि मैं दुनिया में सबसे खुश नसीब इंसान हूँ। मुत खुश होकर अपने फोरहेड को तुम के फोरहेड से कनेक्ट कर लेता है और उन दोनों को ऐसे देखकर पीवी और मुक भी एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। और इसे ब्यूटीफुल सीन के साथ इस सीरीज का स्पेशल एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। आई होप गाइस ये सीरीज आपको सच में पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।